हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? हुरैन की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हुरैन को यहाँ पे आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तभी मैं इसको लेकर नहीं आती हूँ। लेकिन घर पे ये नहीं रुकती तो फिर अभी इसको जो है लेके आना पड़ा है मुझे। तो ये लेने के लिए चले गए हैं मम्मी को। तो मम्मी बहुत टाइम से नहीं आई थी, मतलब जब यहाँ पे फाउंडेशन का काम चल रहा था ना, उसी टाइम पे आई थी मम्मी, उसके बाद नहीं आई थी। तो इसलिए जो है अब मम्मी को लेकर आ रहे हैं ये। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ उनको कि मतलब सही काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो भी है ना। तो इसलिए हाँ बोलो, क्या बोल रही है? हाँ बोलो, मतलब इनको सिर्फ गोदी चाहिए, गोदी, सिर्फ गोदी। अब मैं कैसे रॉक बनाऊँ बेटा? ये तो गलत बात है ना सोना। तो बस इसको लेकर ही अब मुझे ब्लॉग शूट करना पड़ेगा, मैनेज करना, नहीं तो इसकी होती रहेगी बस ऐसे ही पूरे ब्लॉग में। हाँ तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं अपने नए घर से। तो कहाँ चले? कहाँ? पापा आ रहे हैं ना, नानी को लेने गए ना पापा, नानी को लेने पापा। नानी हुरैन की नाक पे एक फुंसी हो गई है, तो इसके पापा गए हैं अभी नानी को लेने के लिए, अभी आ रहे हैं। ठीक, तब तक अपन यहीं खड़े रहेंगे। हाँ ओह नो, क्या होता है? चीज़ चाहिए, चीज़ खानी है, चलो चीज़ खिलाएंगे, चलो आज चीज़ दिलाओ। हमारे लिए, हमारी लड़की के लिए पॉप लाओ भैया, आ जा। कूपन भी निकल रहा है उसमें, चलो ले लो चीज, तो ले लो, लो ये चीज लो, चीज तो ले ले। क्या चाहिए? क्या देख रहा है? क्या लेगा? क्या लेगा? पता नहीं क्या ले, बेटा तेरा हुरैन, हुरैन क्या लेना है? क्या चाहिए बताओ आंटी को, नहीं बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, शादी में दीदी चाचा की, आपने मायके जा रही, उनके यहाँ कल प्रोग्राम था तो आज बुलाई हूँ चाची। काय का प्रोग्राम? बर्थडे था, पचाया लोरन, कल मटर पनीर की सब्जी, मिक्स की सब्जी, दही बड़ा, पुलाव। तो गाइस मम्मी आ गई हैं और बस अभी उनको बता दिया है, उन्होंने भी सलाह दे दी अपनी कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा ही कर लो तो सही लगेगा। तो बस अभी हो गया है हमारा डन। तो चलिए गाइस, आज फाइनली आप लोगों को अपना जो बाथरूम है वो दिखा देती हूँ, मतलब हमारे वाले पर्सनल रूम का, हमारा पर्सनल बाथरूम। तो अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन जो टाइल्स वगैरह लग गए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। अभी सीट वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, वॉश बेसिन नहीं लगा है, लेकिन बता देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? सो ये हमारे रूम में एंटर होने के बाद जो है हम जाते हैं इसके अंदर। लाइट नहीं है क्योंकि लाइट थोड़ी कम ही रखी है अभी यहाँ पे, एकदम प्रॉपर पूरी जो लाइट्स वगैरह होती हैं ना वो अभी नहीं लगाई हैं, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है? सो यहाँ से एंटर करते हैं, अभी यहाँ से जब एंटर करते हैं हमारे बाथरूम के अंदर, तो हमने टाइल्स कुछ इस टाइप से लगाई हुई हैं। हाँ गाइस, तो बीच में अभी किसी का फ़ोन आ गया था तो मैं इनके मोबाइल से शूट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई है ख़त्म, तो इसलिए मैं इनके मोबाइल से शूट कर रही हूँ। सो यहाँ पर जो है हमने टाइल्स कुछ ऐसे लगाए हैं, गोल्डन कलर के हैं, और ये हमने पूरा जो है 8 फिट तक लगवाए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं 8 फिट तक हमने ये टाइल्स लगवाए हैं।
और सामने की जो दीवार है हमारे शावर वाली, जहाँ पे हमारा शावर लगेगा, वो कुछ हमने ऐसी वाली टाइल्स पसंद करी है, उससे मैच करती हुई हमने ये ब्लैक लगवाई है जिसमें गोल्डन टच है, और प्रिंट आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब कुछ टाइप का है ना। और उसके बाद यहाँ पे भी जो है ये वॉश बेसिन के लिए है, और यहाँ पे हमारी लगेगी इस वाली दीवार पे क्या टॉयलेट सीट, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से हमने ऐसे एकदम साफ साफ क्यों नहीं दिख रहे यार, जैकेट कलर है वो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें मोबाइल में, पता ही नहीं क्यों। तो ये कुछ इस टाइप से हमने टाइल्स लगाए, सिर्फ इतना इतना छूट रहा है, सो इसमें पेंट वगैरह हो जाएगा। एकदम फुल तक लगवाएंगे टाइल्स तो अच्छी भी नहीं लगेंगी, और फिर आप लोग मुझे बताना, सलाह देना मुझे कि हम पूरा फुल टाइल्स लगवाएं या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक विंडो दे रखी है वेंटिलेशन के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी जब पूरा होम टूर दूँगी ना, तब आपको सारी चीज़ें एक साथ बताऊँगी, ठीक है। सो हमने ये जो है दीवार कुछ इस टाइप से रखी है, और ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। हमारा पर्सनल बाथरूम काफ़ी बड़ा है, ये 6x6 का बाथरूम है हमारा, तो ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसी के साथ में हमने गोल्डन कलर के ही फ्लोर के लिए टाइल्स लिए हुए हैं, रफ टाइल्स हैं थोड़े, अभी एग्जैक्ट आप लोगों को कलर नहीं समझ में आया होगा क्योंकि सफाई नहीं हुई है ना, जब सफाई हो जाएगी पूरे अच्छे से तब आपको समझ में आएगा सही से। सो ये तो था मेरा पर्सनल बाथरूम, तो आप लोगों को मैंने बता दिया है, जबकि इनकम्प्लीट है, लेकिन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब होम टूर के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अभी कुछ कुछ काम बहुत सारे अधूरे हैं, दो दिन से कुछ काम नहीं लगा है। तो मम्मी अब जो टुकड़े रखे हैं वो नहीं लगाए, इतने बेकार होते हैं, कितने सारे टुकड़े रखे हैं, बच्चों सोचते हैं बेकार लगेगी क्या ना, जो टुकड़ा जाता है जो टुकड़ा जाता है सोचते हैं। अरे तो लंबी लंबी और भी तो रखी हैं, तो करते हैं तो नुकसान क्या कर रहे करते हैं वो तो खेल रहे हैं रेत में, वो भी रेत में खेला जा रहा है, वहां तो रेत मिलती नहीं। लड्डू बना रही हो रू, कैसे आराम से बैठ गए देखो रेत ही रेत में। फ्रेन मैं भी आ जाऊं, मैं भी खेलूं साथ में, मैं भी साथ में खेलूं। हाँ बहुत अच्छी रेत है, बहुत बढ़िया, खेल लो खेल लो, बालों में भी भर रही हो तुम साथ में, मिला देना खेलो तुम। पार्सल पार्सल ना, ब्लैक तो अट्रैक्ट करता ही है बहुत जल्दी, लाइट में थोड़ी ऐसी लग रही थी, ऐसे वो लगे हैं पॉप अप लगे हैं फिनिशिंग। सो गाइस यहाँ पर इतने सारे पार्सल आ चुके हैं, और ये शॉपिंग की है मम्मी ने, जी हाँ पहली बार मम्मी ने इतनी सारी शॉपिंग की है मम्मी ने पहली बार, मतलब मम्मी ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करना सही नहीं समझती हैं, मतलब वो लोकल मार्केट से ही ज़्यादातर लेती हैं, लेकिन इस बार जो है उन्होंने कहा चल मंगा ले देखते हैं कैसा आता है, तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है, तो इसको भी हम भी देखते हैं कि किस हिसाब से आती है चीज़ें, तो इसलिए जो है सारे पार्सल अभी, मतलब और भी पार्सल अभी आने बाकी हैं बहुत सारे, अभी इतने ही आए सुबह से, ये 6-7 आप लोग जो भी देख रहे हो, 2, 4, 6, 7, 8 पार्सल आए हैं अभी, तो अभी और आ जाएंगे पूरे दिन में इकट्ठे होकर, फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी हमने इसमें क्या क्या मंगाया। कि मम्मी खुश हो मम्मी खुश हो खुश हो शॉपिंग करके हाँ मम्मी अभी कंफ्यूज है, वैसे दिखाया तो था, रिव्यूज बहुत अच्छे थे, तो अभी देखते हैं, ठीक है। ये हैं अभी तो फिलहाल, तो ये यहाँ पे
फोटो दिखा रहे हैं और पहचान करवा रहे हैं मम्मी से कि बताओ ये कौन है, बताओ मम्मी कौन है, मम्मी ये मेरे को बनाया है, देखो इनने बॉय बना दिया है। वो ये बता रही मम्मी ये बॉबी मेरे कपड़े तो हैं, कपड़े नहीं पहचाने तुमने, कपड़े ध्यान नहीं दिए मैं कपड़ों में, मैं लगी गई आज तो इधर कब आया था ना टाइप आई थी लगी ये खाली वाली पहन के आरुण भी हंस गए। आरुण क्या बना दिया पप्पा ने मुझे, हैं क्या बना दिया पप्पा ने, जल की रानी है, सिक्स मंथ के होने वाले हैं हारून, और चूचू कर लिया, चूचू कर लिया। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर और बस अभी बना लेते हैं रोटियाँ गर्मा गर्म, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया है, तो रोटियाँ सेकूंगी साथ में ऑमलेट बनाऊंगी। और ये सुबह का हलवा रखा है, देखो किसी ने नहीं खाया, ये हलवा रखा हुआ है। और कल बनी थी सारी दाल मिक्स करके, मतलब राजमा छोले चने वगैरह सब कुछ मिक्स करके बना था। तो ये है अभी रोटी मेरी जल रही, जल्दी से सेक लेते हैं इसको। सो गाइस अभी खाना पीना सबका हो गया है और अभी हम सब लोग बैठ करके बातें चीतें कर रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है और बस शाम के टाइम में जो है ना सब लोग बैठ के बातें करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं सब लोग साथ में ही। तो यहाँ पर टीवी में चल रहा था वो जो यूट्यूबर थे मालती चौहान, उनका केस चल रहा था, मतलब अब मैंने उस टाइम पे जो है ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अभी जो है न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा है उनका, और वैसे भी यूट्यूबर्स वगैरह भी काफ़ी सारे वीडियोस बना रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग देख रहे थे है ना। और बस यहाँ पे बातें भी चल रही हैं, मस्ती मजाक भी चल रहा है और केस के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब उसके पति ने उसको धोखा दिया, ये गलत है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को क्या लगता है मालती चौहान के केस के बारे में, आप लोग मुझे बताना कॉमेंट करके। और यहाँ पर अभी जाके भाई खाना खा रहे हैं, और हुरैन का यह है कि उसको बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ी थी, अभी इस टाइम पे बोल रही थी मेरे साथ में खेलो, तो बस अभी हम लोग खेल रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, और बनी रहिए व्लॉग में, अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं आगे। मम्मी ने बहुत सारी आज शॉपिंग की है ना, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या मंगाया था, और अभी मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना। तो चलिए गाइस इस व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।